अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का एक इरशाद है, सैयदुना अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन्ना लिल्लाहि मलाइकतन सय्याहीन फिल अर्ज़ युबल्लिगूनी अन उम्मती अस्सलाम, कि बेशक अल्लाह ने कुछ फरिश्ते मुकर्रर किए हैं कि जो ज़मीन में चलते फिरते हैं वो मुझ तक मेरी उम्मत का सलाम पहुंचाते हैं। मोहतरम अहबाब, इस हदीस मुबारक को बुनियाद बनाते हुए बाज़ लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की और दीगर अंबिया की हयात दुनियावी पर इस्तिदलाल करते हैं और बाज़ सिमाए मौता पर इस्तिदलाल करते हैं। मैं इस हवाले से चंद गुज़ारशात अर्ज़ करना चाहूँगा। हदीस जो है वो सही है, उसकी सनद सही है, लेकिन जिस चीज़ के ऊपर इसको फिट किया जा रहा है, जिस चीज़ का इससे इस्तेदलाल किया जा रहा है, क्या ये उसके मुतल्लक है या नहीं, ये भी देखना होगा। हमारा इशातुत तौहीद व सुन्ना वालों का ये अकीदा है कि अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम उनके दुनियावी लिहाज से वफात हो चुकी है और वो आलमे बरज़ख में ज़िंदा हैं और उनकी हयात इस दुनियावी हयात से बहुत आला दर्जा की है। और दूसरी चीज़ ये कि जो लोग वफात पा चुके हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके अंदर सुनने की कोई बाकायदा सलाहियत नहीं रख दी। अल्लाह चाहे तो किसी को भी सुना सकता है, लेकिन मुस्तकिल उनका सुनना, उनके अंदर ये सलाहियत रख दिया जाना, ये साबित नहीं है। अब ये जो हदीस मुबारका है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुछ फरिश्ते हैं जो कि ज़मीन के अंदर चलते फिरते हैं और मुझे मेरी उम्मत का सलाम पहुंचाते हैं, इसके मतलब पहली बात मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने ये इरशाद अपनी ज़िंदगी में फरमाया था या वफ़ात के बाद फरमाया था। ज़ाहिर बात है कि ये इरशाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में फरमाया है, वफ़ात के बाद नहीं फरमाया। दूसरी बात ये कि इसमें जो उम्मत के सलाम पहुंचने का तज़किरा है, क्या ये सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़िंदगी में भी पहुंचाया जाता था या वफ़ात के बाद पहुंचाया जाना शुरू हुआ है? तो यकीनी बात है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने ये इरशाद अपनी ज़िंदगी में फरमाया है और इस इरशाद की रोशनी में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़िंदगी में हयात तय्यबा में उन तक सलाम पहुंचाया जाना वो ज़्यादा यकीनी है और कती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की वफ़ात के बाद आपको सलाम पहुंचाए जाने के मतलब ये हदीस सरी नहीं है। मैं सलाम पहुंचाए जाने का इनकार नहीं कर रहा, मैं सिर्फ़ इस हदीस की बात कर रहा हूं कि इसके अंदर ज़िंदगी में सलाम पहुंचाए जाने की तो ज़्यादा सराहत बनती है, लेकिन क्या वफ़ात के बाद भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम तक सलाम पहुंचाया जाता है, उसकी इस हदीस में सराहत नहीं मिलती। अगरचे मैं उसको तस्लीम करता हूँ, मेरा वो अकीदा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
उम्मत का सलाम जो है वफात के बाद भी पहुंचता है। लेकिन बहरहाल मैं सिर्फ इस हदीस के हवाले से बात कर रहा हूँ कि इस हदीस में सराहत बहरहाल नहीं है। ज़िंदगी में सलाम पहुंचने की सराहत इस हदीस में बनती है। अब फिर आगे देखने के सलाम पहुंचता कैसे है। ज़ाहिर बात है कि जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया है कि फ़रिश्ते ज़मीन में चलते फिरते हैं और मेरी उम्मत का सलाम मुझ तक पहुँचाते हैं, तो ये बात ज़िंदगी में तो यकीनन थी ना। तो वफ़ात के बाद भी हमारा अकीदा है कि है, लेकिन सलाम पहुँचाए जाने की कैफियत क्या यही होती है सिर्फ कि सलाम का आपको बताया जाए, या कोई और कैफियत भी हो सकती है। तो मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि दो कैफियत हैं, एक है बताया जाना और एक है कि उस सलाम का सवाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचना। अब ये जो पहली चीज़ है बताया जाना, ख़ुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से ही हम इसकी मिसाल ले लेते हैं। सुलह हुदैबिया के मौका पर एक अफवाह फैल गई जब हज़रत उस्मान ज़िनुरैन रज़ी अल्लाह ताला वो मुज़ाकरात के लिए मक्का गए हुए थे, तो अफवाह फैल गई कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला को शहीद कर दिया गया है। जब ये अफवाह फैल गई तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने सैयदना उस्मान ज़िनुरैन रज़ी अल्लाह ताला के किसास के हवाले से बैत ली है, जिसको बैत रिजवान कहा जाता है। अब ये मामला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का है। क्या हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने जितनी देर वो मक्का वालों के पास रहे तो उस दौरान कोई नमाज नहीं पढ़ी? यकीनन नमाज पढ़ी है, और नमाज के अंदर दुरूद शरीफ़ भी यकीनन पढ़ा है। और वो दुरूद शरीफ़ क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पहुँचाया गया? यकीनन पहुँचाया गया है, लेकिन वो नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतलाया तो नहीं गया। तो गोया कि पहुँचाने की कैफियत जो है वो ये है कि उसका अजर आपको पहुँचा, उस वो बुलंदी दर्जात का बायस और सबब बना। पहुँचाए जाने से यहाँ पर ये नहीं मुराद लिया जा सकता कि नबी वसल्लम को बताया गया कि उस्मान ज़िनुरैन आपके ऊपर दरूद भेज रहे हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुज़ाकरात कर रहे थे कुफ़ार के साथ, और उसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी आ रहा था यकीनन, तो उसमें भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनन बोला हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, लेकिन इसकी इतला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक नहीं पहुँचाई गई। बल्कि यह है कि वह बुलंदी दर्जात का सबब बना, नबी वसल्लम को वह दुरूद पहुँचा ज़रूर है, सलाम पहुंचा ज़रूर है, लेकिन पहुंचने का मतलब ये कि वो बुलंदी दर्जात का सबब बना। तो बहरहाल ये जो हदीस मुबारक है ना, इससे कोई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनियावी हयात साबित होती है, ना ही कोई इससे ये जो है सिमाए मौता का कोई मसला उनके हक में साबित होता है कि मुर्दे सुनते हैं, ऐसा कुछ भी इससे साबित नहीं होता है। बल्कि इससे उसका उल्ट, सिमाए मौता के ख़ास तौर पर सिमाए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो उल्ट साबित हो रहा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि मैं सुनता हूँ, जहाँ पर भी कोई सलाम करे तो मैं सुनता हूँ, बल्कि कहा कि फ़रिश्ते मुझ तक पहुँचाते हैं। तो फ़रिश्तों का पहुँचाना तो तभी है ना कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद नहीं सुनते हैं। तो इससे तो सिमाए अम्बिया की उल्टा नफ़ी होती है, न कि सिमाए अम्बिया का कोई सबूत मिलता है। तो हर जगह से सुनने वाला जानने वाला वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ही है। अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलाम उनकी हयात ज़रूर है, लेकिन वो हयात बरज़खिया है, और उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर दुनिया वालों का कोई सलाम किस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या किसी और नबी को अगर सुना दें तो ज़रूर सुना दें, लेकिन मुस्तकिल जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके अंदर ये चीज़ नहीं रख दी, ना इंदल खबर और ना ही हर जगह से। तो बहरहाल इससे कोई सबूत नहीं बनता उनके हक़ में, बल्कि उल्टा ये जो है इशातुत तौहीद व सुन्ना के मसलक को ये हदीस साबित करती है कि अंबिया ख़ुद नहीं सुनते बल्कि उन तक पहुँचाया जाता है,
और पहुँचाए जाने के भी फिर दो अंदाज हैं। बाज़ औक़ात अल्लाह बतला भी सकते हैं कि फ़लाने आपको सलाम किया, उसका इनकार नहीं है, लेकिन लाजम नहीं है कि पहुँचाए जाना हमेशा ऐसे ही हो। जैसे कि ज़िंदगी में हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला वो यकीनन दुरूद व सलाम पढ़ रहे थे, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसकी इतला नहीं दी गई, लेकिन वो पहुंचा तो ज़रूर है। और वो पहुंचना जो है वो दर्जात की बुलंदी है, वो आपका अजर मिलना है, और वो यकीनन साबित है और वो हमेशा साबित है आपकी ज़िंदगी में भी, आपकी वफ़ात के बाद भी। आपकी वफ़ात के बाद भी अल्लाह चाहे तो ज़रूर बता दे कि फ़लाँ ने जो है वो आपके ऊपर दुरूद व सलाम भेजा है, तो अल्लाह चाहे तो बता दे, अल्लाह चाहे तो ना बताए। तो बहरहाल ये हदीस मुबारक जो है ये इस मसले को बयान करने के लिए नहीं है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सलाम सुनते हैं, बल्कि उसमें नफ़ी होती है। ये हदीस मुबारक सिर्फ़ दुरूद व सलाम की अहमियत को बयान करने के लिए है, तो इसलिए हमें ये हदीस मुबारक सामने आने पर इसके जो तकाजा है उसके ऊपर अमल करना चाहिए। हमें दुरूद व सलाम की कसरत करनी चाहिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद कमा सल्ली तला इब्राहिम व अला आली इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद कमा बारक तला इब्राहिम व अला आली इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।